ज्योति कुमावत और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ व्हाट वाज द मोटिवेशन सोर्स फॉर मी फॉर द होल ईयर, कि मेरे लिए ऐसा क्या मोटिवेशन था कि मैं पूरे साल कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन कर पाई ऑल इंडिया लेवल एग्जाम के लिए। तो ये मेरी बातें सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लागू होती है, ये सभी के लिए सेम ही होती है। तो मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन थे मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी और मेरे पापा। मेरे पापा मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम मोटिवेट करते रहते थे कि तुम ऐसा कर सकते हो, तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें उसकी सफलता मिलती है, भले उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क, कि आप मेहनत करोगे तो आपको उसका फल मिलेगा ही, भले वो थोड़ी देरी से मिले लेकिन मिलेगा ही। और मैं मेरी मम्मी को देखती थी, वो अपना टाइम इतनी अपना पूरा टाइम अपने वर्क को डेडिकेट करती है और वो कुछ भी करती है पंचुअली करती है, ऑन टाइम सब अपना काम करती है और वो रेगुलरली करती है। मम्मी अपना काम रोज कर सकती है, रेगुलरली कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम रेगुलरली क्यों नहीं पढ़ सकते। हमारा तो स्टूडेंट का एज ए स्टूडेंट हमारा काम ही क्या होता है, सिर्फ पढ़ना ही होता है और हमसे कोई वो मजूरी तो करवाते नहीं है, बस छोटा मोटा थोड़ी हेल्प करने को कहते हैं, वो भी कभी कभी। तो हम उतना भी नहीं कर सकते, हमारा स्टूडेंट है तो हमारे पेरेंट्स के भी हमारे लिए सपने होते हैं, ये करें वो करें, और हमारा काम ही होता है खाली पढ़ने का। अगर वो हम सिंसियरली नहीं करेंगे तो हम आगे कुछ ऐसा कैसे कर पाएंगे। तो पेरेंट्स हमें यही सिखाते हैं कि हमें मेहनत करनी अभी से सीखनी चाहिए, आगे तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं अपने मम्मी को देखती हूँ, वो मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, वो घर का काम इतनी अच्छी तरह से करती है अपना और पंचुअल रेगुलरली करती है। वो मम्मी तो कभी ऐसे कहते नहीं कि आज तो चलो मेरा खाने बनाने का मन ही नहीं है, चलो आज खाते ही नहीं है कि बाहर से खा लेते हैं। मम्मी अपना काम रेगुलरली करती है, तो वही देख के मुझे लगता है कि कभी मेरा पढ़ने का मन नहीं होता तो मैं देखती हूँ कि मम्मी तो अपना काम रेगुलरली करती है, उनका कभी ऐसा मन नहीं होता काम ना करने का। तो मैंने मम्मी से पूछा, तो मम्मी करने कहा कि हाँ मुझे भी नहीं करने की इच्छा होती लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है ना, आज मैं नहीं करूँगी तो फिर कल तो मुझे करना पड़ेगा और वो डबल हो जाएगा। वैसा ही स्टडी में लागू होता है, अगर हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सोचिए कि अगर आप आज आपका काम नहीं कर रहे तो क्या गारंटी है कि आप कल भी उसे कल कर लोगे उस काम को, क्या गारंटी है कि आज का आपका प्रोकास्टिनेट किया हुआ काम कल हो ही जाएगा। क्यों ना आप उसे अभी कर लो तो कल के लिए कुछ रहे ही ना। तो ऐसा मैं सोचती थी, और शाम को रात को आफ्टर डिनर के बाद हम सब बैठते थे तो मैं पापा के साथ काफ़ी बार डिस्कस किया करती थी कि मेरी तैयारी ऐसी चल रही है और मेरी अच्छी जगह सिलेक्शन हो ही जाएगा क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ। उससे क्या होता था कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ ओपनली सब डिस्कस करती थी कि मैं ये कर रही हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ और मेरे ये सपने हैं, मैं ये करना चाहती हूँ। तो उससे मुझे कुछ काफ़ी रिलीफ लगता था क्योंकि मैं पूरे दिन पढ़ती थी फिर अपने मम्मी पापा के साथ बातें कर लेती थी तो रात को, तो मुझे काफ़ी अच्छा हल्का महसूस होता था कि मैंने जो किया मैंने अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर लिया। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी, आप पढ़ते हैं फिर बोर हो जाते हैं तो फ़ोन में टाइम पास करने के सिवाय आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ, पेरेंट्स के साथ, भाई बहन के साथ, किसी के साथ आप डिस्कस कर लीजिए कि आप ये कर रहे हैं ये करें, उनको थोड़ा आप बता दीजिए तो आपका टॉपिक भी टच में रहेगा और शेयरिंग का शेयरिंग हो जाएगा और आपके फैमिली मेम्बर को भी पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पढ़ाई के बाद पेरेंट्स के साथ थोड़ा आधे घंटा डिनर के बाद थोड़ा डिस्कशन कर लो, उससे आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। तो इस तरह मेरे मम्मी पापा ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की मेरी प्रिपरेशन के दौरान, और मैं काफ़ी बार कहती थी कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा हो ही जाएगा, तो पेरेंट्स मम्मी को तो बिलीव नहीं होता था, मम्मी कहती थी कि कर लो ना फिर बताना, पहले मत बताओ।
मैं कहती हूँ मम्मी मैं बताती हूँ तो मुझे फिर ऐसा होता है कि मुझे करना पड़ेगा, इसलिए मैं शेयर करती हूँ। सबका अलग अलग होता है, कोई शेयर नहीं करना चाहता, कोई शेयर करना चाहता है। टू दो प्रकार के लोग होते हैं कि कोई शेयर करते हैं कोई शेयर नहीं करते। मेरे अकॉर्डिंग मुझे शेयर करना अच्छा लगा तो मैंने शेयर किया और फिर मैंने करके भी दिखाया। और कुछ नहीं शेयर करते और फिर भी वो करते हैं, तो ये इंडिविजुअली डिपेंड करता है कि आप शेयर करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग शेयर करना अच्छा रहेगा। और इसी तरह मेरे मम्मी पापा ने मेरी पूरी जर्नी में मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। एग्ज़ाम के दौरान तो मैं मम्मी से कह देती थी कि मम्मी मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम मत हो तो मत बुलाना, मुझे पढ़ने दो, मुझे शांति चाहिए मेरे रूम में। तो मेरे मम्मी ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे पापा ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक करिए ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम विथ रैंक 666, और मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। तो आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे। तभी के लिए आपका और अपने परिवार का ध्यान रखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और आपको कुछ क्वेरी हो